बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में आपको क्या क्या देख के जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है रिसेंट वाले, वो आप एक बार जरूर देख लो। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि उसका प्रोविजन क्या है, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, ठीक है। रिसेंट 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, समझ में आया आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जो दल बदल कानून है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। दल बदल कानून के बारे में आपको जानना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको जानना चाहिए। और आपको ये पता होगा कि अभी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो बिल आया था, मतलब जिसमें अरविंद केजरीवाल, मतलब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, और कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में डिस्प्यूट था। अगला हमको ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ के जाना है, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 आया है, द यूएपीए, यूएपीए जो लॉ है, ठीक है, उसके बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज वाला, ठीक है, ये काफी चर्चा में था, इसलिए हमको पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको पता होगा डीलिमिटेशन कमीशन जो है, परिसीमन आयोग, डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है डीलिमिटेशन कमीशन की जो बात की गई है। सिक्स्थ शेड्यूल काफी चर्चा में रहा है, छठवीं अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल काफी चर्चा में रहा है। ये पॉलिटी में ऐसे टॉपिक हैं जो साल में चर्चा में रहे, वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, लेकिन इन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के समय हम क्या पढ़ें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होती है। तो पॉलिटी में जो करंट अफेयर्स हमें तैयार करना है, तो वो हमको ये तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद राइट टू फॉरगॉटन जो है, ये हमें तैयार करना है, जिसको हम बोलते हैं भूल जाने का अधिकार। आपको पता है कि दुकानों में लोग खड़े रहते हैं, अगर आप कहीं मॉल वगैरह में जाएंगे ना, तो उनको बैठने के लिए कुछ नहीं होता है, पूरे दिन खड़े रहते हैं। तमिलनाडु में राइट टू सिट की बात की गई है। तो उसके बाद एक जो चर्चा में था, आपको पता होगा ये सोशल मीडिया के समय काफी चर्चा में था, अभी फेसबुक वगैरह पे चर्चा, फेसबुक वगैरह की जो बात चल रही थी बीच में, आपको पता होगा। तो आईटी जो एक्ट है, आईटी एक्ट की धारा जो है 66A, ठीक है, तो इसका एक केस है जो आपको याद रखना है, इसका केस है जो आपको याद रखना है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईटी रूल्स अभी आए थे, आपको पता होगा आईटी रूल्स 2021। तो हमें पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है, वो क्या है, एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ना चाहिए। अभी जजेस के अपॉइंटमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है, उनके जो आर्टिकल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। जुडिशरी की बात कर रहा हूं, जुडिशरी की बात कर रहा हूं, एक जुडिशरी में पोर्टल है, वो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल करके है, वो आपसे पूछा जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, वो पोर्टल का नाम है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल,
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, तो पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। केदारनाथ जो केस है उसको आपको तैयार करना है, केदारनाथ केस। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है कोलकाता बंगाल में, राज्य विधान परिषद जिसको हम कहते हैं, तो राज्य विधान परिषद का जो आर्टिकल होता है वो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनाई जाती है, ठीक है, राज्य विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है। इस बार हेट स्पीच से रिलेटेड भी काफी चर्चा में था मुद्दा, हेट स्पीच। तो हेट स्पीच से रिलेटेड मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी, टीके विश्वनाथन कमेटी, टीके विश्वनाथन कमेटी बनाई गई थी ये साइबर क्राइम हेट स्पीच के लिए, देख लेना एक बार आप। और अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर इनसे रिलेटेड है, तो ये केस भी आपको ध्यान में रखना है। जो इंश्योरेंस लोकपाल की बात की गई है, इंश्योरेंस लोकपाल, और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ठीक है, वो भी काफी चर्चा में था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको हम किशोर न्याय अधिनियम कहते हैं,